हमको डुप्लीकेट सामान मत देना जी जी। हमारा एक बहुत पुराना अनुभव है कि आप गोली मार दीजिए किसी को, लेकिन धोखा मत दीजिए। सो दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं बारिश हो रही, चलिए आइए अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर बारिश होते हुए भी इनका लोड कैसे चल रहा है नहीं चल रहा है, जो सच्चाई होती है वो आपको इस वीडियो में दिखने को मिलेगा। एकदम बिना कट पेस्ट को आपको दिखा सकते हैं। यहाँ पर आपको हम सबसे पहले BFD दिखा सकते हैं, देख लीजिए BFD लगी हुई है। यहाँ पर क्या इनपुट आ रहा है वो हम आपको दिखा दे सकते हैं, जिसमें कितना करंट वोल्टेज आ रहा है, 9-10 एम्पीयर आ रहा है। यहाँ पर अभी बारिश होती हुई भी, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका सिंगल लोड जो है वो चल रहा है, ये सिंगल लोड, यहाँ पर डबल लोड नहीं चल रहा है बल्कि सिंगल लोड यहाँ पर चल रहा है बारिश होते हुए। इस एड्रेस के लेने के पहले लोगों ने बहुत डराया। अच्छा, बारिश हो रही फिर इस मौसम में चल रहा है आपका? हाँ हाँ चल रहा है। अभी आपका वहाँ से क्वालिटी वगैरह कोई दिक्कत? क्वालिटी में कोई कमी नहीं है, एकदम आटा बढ़िया। बारिश मौसम है तो नहीं नहीं आटा सही निकाल रहा है बारिश में। हाँ हाँ भाई। तो दोस्तों, आज हम एक नए साइट पर आए हैं। जैसे कि आपको इससे पहले हमने औरैया और चित्रकूट की साइट दिखाई थी, वहाँ पर जो लोगों का रिव्यू था वो हमने दिखाया था कैसे उनकी सोलर आटा चक्की काम कर रही है। तो आज हम एक नए ज़िले में आए हुए हैं, ये ज़िला है प्रतापगढ़, यूपी का जो ज़िला है प्रतापगढ़, वहाँ पर आए हुए हैं। लोकेशन की बात करें, ये जो यहाँ पर स्थानीय लोकेशन है वो बोलते हैं इसको गोबरी गाँव, जो है गोबरी नाम है इसका, वहाँ पर हम इस समय आए हैं। यहाँ पर आपको एक नया आटा चक्की का सेटअप दिखाएंगे कि आटा चक्की सोलर से आटा चक्की चलाने का जो सेटअप है वो किस तरीके से कितना वर्क कर रहा है, क्योंकि अभी इस समय मौसम बहुत ही बेकार चल रहा है। आप देख सकते हैं क्लाउड आपको दिख रहा होगा कि पूरा एक नम नम मौसम है और क्लाउडी वेदर है पूरा। तो इस मौसम में कैसे वर्क करता है और इस मौसम में काम करने का जो एक्सपीरियंस है, जिनके यहाँ हमने लगाया है उनका क्या एक्सपीरियंस है, वो क्या कहते हैं कि इस मौसम में क्या वर्क कर रहा है, तो ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो दोस्तों, आप वीडियो में बने रहिए, आपको A to Z सोलर आटा चक्की की जानकारी मिलेगी, जिससे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन हो जाएगी कि आप अगर अपने यहाँ सोलर लगवा रहे हैं तो आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए कि वेदर कैसे, अगर मान लीजिए नम मौसम है तो कैसे काम करेगा या फिर धूप है तो कैसे काम करेगा, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। दोस्तों चलिए बिना वक्त गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर जो इसका पूरा सेटअप है सोलर आटा चक्की का वो कैसे चल रहा है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको यहाँ पर जो सिस्टम लगा हुआ है उसकी जानकारी देते हैं कि यहाँ पर क्या सिस्टम लगा हुआ है और कितनी प्लेटें लगी है, किस कंपनी की लगी है। दोस्तों प्लेटों की बात करें तो यहाँ पर जो प्लेट की संख्या है वो यहाँ पर हमने लगाई है 30 प्लेट, जो लगाई है हमने 30 प्लेट लगाई है, 535 वाट की मोनो पर हाफ कट प्लेट है। और इसके बाद जो हमने यहाँ पर जो कंपनी ब्रांड की बात करें तो यहाँ लूम सोलर का ये पैनल लगा हुआ है। दोस्तों आइए आपको हम यहाँ पर दिखा देते हैं कि जो इंस्टॉलेशन हुआ है कैसे हुआ है, किस तरीके से हुआ है, ये आपको हम दिखा देते हैं, और जो यहाँ क्या क्या चीज़ें लगी हैं वो हम आपको दिखा देते हैं। फिर आपको हम यहाँ पर लोड दिखाएंगे, कितना लोड ले रहा है, कैसे लोड रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं बारिश भी हो रही है हल्की हल्की, आपको दिख रहा होगा। तो आइए हम आपको चल के दिखाते हैं पूरा सिस्टम। सो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा सिस्टम लगा हुआ है हमने आपको दिखाया, यहाँ पर चलिए नीचे चलते हैं और आपको दिखाते हैं कैसे सिस्टम चल रहा है, क्या चल रहा है। देख सकते हैं पानी अभी भी गिर रहा है पूरा, देख सकते हैं पैनल पूरा A to Z पूरा भीगा पड़ा है। आइए हम आपको दिखाते हैं कैसे यहाँ पर जो उनका सिस्टम है वो किस तरीके से रन कर रहा है, कैसे चल रहा है, और यहाँ पर जो काम करने वाले हैं उनसे भी जानकारी लेंगे, उनका जो सिस्टम है वो प्रॉपर तरीके से चल रहा है नहीं चल रहा है, ये सारी जानकारी उनसे हम लेते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं नीचे आ चुके हैं, यहाँ पर जो इनका सिस्टम है वो प्रॉपर तरीके से चलता हुआ दिख रहा है। तो आइए हम समझते हैं। तो भैया अभी किससे चल रहा है, किससे चल रहा है? सोलर चल रहा है। हाँ अभी जैसे बारिश हो रही फिर इस मौसम में चल रहा है आपका? हाँ चल रहा है। अभी आपका वहाँ से क्वालिटी वगैरह कोई दिक्कत? क्वालिटी में कोई कमी नहीं है, एकदम आटा बढ़िया। बारिश के मौसम है तो नहीं नहीं आटा सही निकाल रहा है बारिश में। हाँ हाँ बारिश में गल्ला कम खींच रहा है लेकिन आटा सही है। बारिश हो रही है ये होता है कि नहीं चलेगा बारिश में जो? नहीं नहीं चल रहा है, एक घंटे में ज़्यादा तो नहीं 30-40 किलो निकलेगा, अगर धूप रहेगी तो 1 क्विंटल 1.5 क्विंटल घंटे निकलेगा। मान लीजिए अगर बारिश नहीं हो रही फिर भी काला बदल नहीं है व्हाइट बादल है तब 1 क्विंटल लगभग निकलेगा। हाँ 1 से 80 किलो तक। ठंडी का टाइम आ जाता है तो उस टाइम में चलेगा। ये है भाई साहब जिनके यहाँ ये सिस्टम लगा हुआ है, एक बार आप आटा दिखाएंगे? आटा दिखाइए हम दोस्तों, एक बार देख लेते हैं आटा क्वालिटी क्या है वो हम यहाँ पर दिखा देते हैं, आपको भी दिखा देते हैं।
जैसे कि आप देख सकते हैं आटे क्वालिटी बढ़िया है ना, मैदा है ना एकदम। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं ये है पूरा सिस्टम, तो नीचे चल रहा है ये सिस्टम हमारा गोबरी में लगा हुआ है जो प्रतापगढ़ जिले के अंतर्गत आता है। यहाँ पर आपको हम बीएफडी दिखा देते हैं, आप देख सकते हैं ये है पूरा सिस्टम, यहाँ पर लगा है डीसीडीबी और यहाँ पर लगा हुआ है इनका बीएफडी सिस्टम जो होता है वो पूरा यहाँ पर आप देखते हैं हमारे फर्म का। और आइए दोस्तों यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं, बारिश और ये फिर भी 9-10 एम्पियर लेकर के जो है इनका पूरा सिस्टम प्रॉपर तरीके से रन कर रहा है। जो होता है कि यहाँ अगर आपको डर है कि बारिश में नहीं चलेगा फिर नहीं चलेगा, आप देख सकते हैं जो काम करने उनके लड़के थे उन्होंने भी बताया कि यहाँ कैसे सिस्टम उनका चल रहा है और अभी इनका जो सिस्टम है वो प्रॉपर तरीके से चल रहा है। लगवाना चाहते हैं तब भी आप कॉल नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके आपको एक्यूरेट जानकारी मिले। जैसे कि आपको अंकल बताया कि अंकल ने बताया कि आपको जो सामान होगा वो ए ग्रेड क्वालिटी का मिलेगा, वो पूरा प्रॉपर तरीके से यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो अभी आप देख सकते हैं पूरा सिस्टम चल रहा है। मेरे भाई साहब जो ये भी यहाँ के हैं और इनके ही घर पे लगा हुआ था, ये इनसे भी जान लेते हैं। तो भैया सही चल रहा है? हाँ बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं चलने में। अभी जैसे बारिश हो रही है इस टाइम पे सही चल रहा है? नहीं चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है ना। और क्या, जैसे कि आप देख सकते हैं एक्यूरेट आपको एक आदमी से नहीं, आपको यहाँ पर जितने लोग उपस्थित हैं लगभग सभी लोगों से यहाँ पर आपको पूरा सिस्टम का जो जानकारी है वो हमने आपको दे दी है कि आपको एक एक लोगों का रिव्यू आपको दिखा दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पर जितने लोग हैं सब झूठी बोल रहे हैं, ऐसा तो हो नहीं सकता। फिलहाल आप देख सकते हैं ये पूरा सिस्टम यहाँ पर चलता हुआ आपको दिख रहा है। तो दोस्तों जैसा कि आपको हमने बताया कहाँ पे हमारा प्लांट लगा हुआ है, तो आइए हम जानते हैं हमारे यहाँ जिनके यहाँ लगाए हैं जो ओनर हैं जिनके यहाँ हमारे प्लांट लगा हुआ है अंकल जी, उनसे समझते हैं और उनसे जानकारी लेते हैं कहाँ के रहने वाले हैं और कैसा उनका सिस्टम चल रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं बारिश हो रही है तो इसमें इनका क्या एक्सपीरियंस रहा है वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। चलिए आइए जानते हैं। तो अंकल जी आप अपना पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम के आर मौर्या, ग्राम पोस्ट गोपरी, जनपद प्रतापगढ़ के हम रहने वाले हैं। जी जी, प्रतापगढ़ से आप हैं फिर? जी सर। तो आपके यहाँ सिस्टम लगे हुए कितने दिन हो गए? करीब हो गया 20 दिन। 20 दिन हो गया, तो 20 दिनों में आपका ये सोलर आटा चक्की जो सिस्टम है वो क्या एक्सपीरियंस रहा है आपका, मतलब किस तरीके का आप अभी देखते हैं? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस चल रहा है, केवल काले बादल में नहीं जलता, इस समय प्रेजेंट में जिस समय वीडियोग्राफी हो रही है जी जी। उस समय बरस भी रहा है जी, वो तो दिखाई दे रहा है जी जी। लेकिन हमारी एक चक्की जो है वो खींच रही है, और यदि धूप रहती है जी तो दोनों चक्कियां 24 इंच प्लस 18 इंच की चलती है जी। और हम ये अनुमान लगाते हैं कि अगर धूप अच्छी रही जी और 50 पे वो चल रहा है तो ये समझिए कि 2 क्विंटल घंटे में निकालने का इसकी कैपेसिटी है। और इसके साथ एक चक्की 24 इंची के साथ है, ये डिस्पेलर चला देते हैं तो ये दोनों बहुत कायदे चलता है। अब तो भविष्य के गत में है, पहले मैंने जब इसे नहीं चलाया था इसके विषय में जानकारी की जी तो इसमें 12-12 लाख रुपया हमारा इन्वेस्ट हुआ। लेकिन पहले हमको इस रिस्क लेने के पहले लोगों ने बहुत डराया। अच्छा। लेकिन हम मतलब आसपास जो लोग कहेंगे भैया क्या लगवा रहे, नई चीज़ लगने से पहले यही होता है दोस्तों। जैसा कि अगर आपके पास लग रहा है आप कोई नई चीज़ लगा रहे हैं तो पहले आसपास वाले जो पहले टोकेंगे आपको ये क्या करने जा रहे हो, इसमें पक्का लॉस है, जानकारी हो ना हो उनको लेकिन ये सजेशन आपको दे देंगे। तो अभी आपका चल रहा है बढ़िया? हाँ तो सुने तो लोग बहुत ज़्यादा हमको हरेसमेंट करें क्या बढ़ावा देने के बजाय पीछे की ओर, यदि हम किसी चीज में रिस्क नहीं लेंगे तो कर नहीं पाएंगे। बिल्कुल। और यदि जैसे हमको आज महेंद्र सोलर प्रयाग से मिल गया है, इनसे मैंने बात की थी कि हमको सत्यता पर खड़े उतरना जी जी बिल्कुल, हमको डुप्लीकेट सामान मत देना जी जी। हमारा एक बहुत पुराना अनुभव है कि आप गोली मार दीजिए किसी को लेकिन धोखा मत दीजिए जी जी। तो उन्होंने मुझे लूम पहना दिया और बीएफडी मोटर उन्हीं के माध्यम से मैंने कान टंकी खरीदी और हमारा प्रेजेंट में इस समय तो सही चल रहा है। तो आपका सामान है, आपको क्या लगता है ओरिजिनल है? हाँ हमको चूँकि चल रहा है इसलिए ओरिजिनल है। और आप देखें कि इस समय धूप जो है नहीं निकली हुई है, बारिश बादल हो रहे हैं, बादल फिर भी सामान्य रूप से नहीं तो कम से कम 50-60 किलो तो घंटा निकाल रहा है आराम से। तो हम इनसे भैया बहुत संतुष्ट हैं
और हम चाहते हैं कि प्रयाग महन 16 से संपर्क करें, जो भी लगवाना हो इसके साथ लगवाएं कि हमको सामान अच्छा मिले लेकिन दो पैसा लग जाए अधिक, ठीक है लेकिन जो भी मिले वो सही मिले और कहीं दो पैसे के चक्कर में हम डुप्लीकेट में न फंस जाए, न इधर के रहें न उधर के लिए। फिलहाल हमको इनसे मिलकर बहुत बहुत। तो अंकल बताइए कि आपके यहाँ जैसे इंस्टॉलेशन में आपको क्या कोई कमी नजर आई, जैसे हमारे द्वारा जो प्रयाग सोलर पावर द्वारा आपका जो इंस्टॉलेशन हुआ है उसमें आपको कोई कमी नजर आई? नहीं, हमको 1% की कोई कमी नहीं आई। ऐसा कभी हो कि मान लो आपको कोई कंप्लेन आई हो इतने दिनों में? कोई नहीं, कोई कंप्लेन नहीं आई। भविष्य में अगर ऐसे रहा तो हम तो ये चाहते हैं इसे लगवाइए और विद्युत की बचत होगी, आपके घर का खर्च हर चीज सही रूप में चलेगा। आज के परिप्रेक्ष्य में बिजली की बहुत बड़ी शॉर्टेज है, बिल्कुल, और इसको रहती भी नहीं है, रहती भी नहीं। अगर हम लगवा लेंगे तो हमको प्लस छोड़ हम माइनस में नहीं जाएंगे, ये मेरा अनुभव है। और जैसे अभी अंकल ये बात ये करें कि जैसे कि आपका इससे पहले आप किसे चला रहे थे? अब इसके पहले मैंने बहुत परिस्थितियाँ भोगी। सर्वप्रथम तो मैं इंजन से चला रहा था आज के 2500 साल पहले, जब ये समझ लीजिए कि डीजल जो 60 रुपए से था आज 90 और 100 के आसपास आ गया, 50। तब भी हमारे यहाँ पिसाई 2 रुपए थी, आज भी 2 रुपए थी। उसके बाद हम नर्वस हो गए, फिर ट्रैक्टर उसे इंजन को रख दिया, ट्रैक्टर लाया मैंने, ट्रैक्टर के द्वारा चलाए। मतलब आप ट्रैक्टर से अभी पिसाई करते थे? ट्रैक्टर से पहले, इसके पहले पिसाई करते थे और आज भी आकस्मिक हम ट्रैक्टर लगाए हुए हैं। प्लस यदि मान लीजिए किसी का आ गया, आकस्मिक नहीं रहता है, बादल हो गया, प्रकृति के नेचर को कोई जान नहीं सकता कि कब परिवर्तन होगा, कोई तो इसलिए हम उसे भी रखे हुए हैं। लेकिन विषम परिस्थितियाँ कोई आ जाती है, आपत्ति, कहीं कोई तेरही हो गई, आकस्मिक या और कोई कारण पड़ गया, तो हम उसे भी तत्काल चला देते हैं, सब निकाल देते हैं, लेकिन कोई परेशानी नहीं आती है। लेकिन हम सभी से हम ये अनुरोध करेंगे कि सौर ऊर्जा से यदि हम काम करते हैं तो हमारी भी बचत होगी, साथ में जो है विद्युत की भी जो कमियां हैं वो भविष्य में पूरा होगी। अभी आप पहले आपने बताया कि आप इंजन चलाते थे, फिर ट्रैक्टर चलाएं, फिर अभी आपका जो ट्रैक्टर जब आप चलाते थे तब आपका कितना मंथली खर्चा आ जाता था? इसका खर्च जो तेल ओल का होता था वो कितना खर्चा? अभी आप समझिए कि 10,000, 12,000, 15,000 जाता था। तो अभी आपका ये फिलहाल पूरा बचने वाला है? ये पूरा बचने वाला है। फिर हम इसके साथ ये भी कहेंगे कि हमारे जो सेंट्रल बैंक के मैनेजर हैं मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा और उनका रीडिंग हूँ, जो कि बहुत प्रयास करने के बाद उन्होंने मुझे दिया हमारे विश्वास पर, और उन्होंने लोन दिया, उसके बाद मैं अपने पास से लगाया ओरिजिनलिटी में, वही भी देख करके खुश हुए कि जिस उद्देश्य से मैंने लिया उसी उद्देश्य से उसी के रूप में खर्च भी किया। आज हम जैसे कि अंकल जी आपको जब आप हमारे यहाँ आए थे, हमारे एजेंसी पर, हमारे ऑफिस पर जब आप आए थे, तब वहाँ जब आप आए थे उसके बाद आपके बीच में ऐसा हुआ कि आपको किसी ने कह दिया कि सही सिस्टम नहीं लग रहा है, फिर तो आप ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे? हाँ देखिए, ऐसा है कि मार्केट के अंदर सब अपनी अपनी दुकानें रखे हुए हैं। तो मान लीजिए कि कोई किसी कास्ट का है, कास्ट से नहीं मतलब है, यहाँ दुकान में जो भी दुकानदार होगा वो एक स्वजाति हो जाते हैं, किसी भी प्रकार की दुकानें लगी हों लेकिन दुकानदार दुकानदार है। वो जैसे रामायण में कहा गया है, एक चौपाई है कि मोहन राज नारी के रूपा एक स्त्री दूसरे स्त्री के नहीं कर सकती, इस प्रकार से एक जो है धंधा करने वाला दूसरे को नहीं चाहेगा कि ये भी दो पैसा कमाए। तो उन्होंने मुझे भड़काया, लेकिन चूंकि मैंने जो बात कर ली थी, मैंने कहा कुछ भी हो, एक बार बात तो डर तो आई होगी कि भैया कहीं गलत सामान न लग जाए। एक बार मुझसे कहा कि गलत मतलब है कि आप सही नहीं कर रहे हैं, जो कर रहे हैं हो गया। तुम मैंने ये सोचा कि अब तो मैंने किया है, उनसे कह भी दिया है कि गोली मार देना लेकिन धोखा न देना। तो वह बेचारे बहुत ज्यादा वो हुए और तटस्थ हो गए। तटस्थ होने के बाद दूसरे यहाँ के काम को छोड़कर हमारे काम को बढ़िया दी और लगाया जल्द में, और चल भी रहा है। मैं आशा करता हूँ कि
ऐसे आगे भी चलेगा। तो अंकल जी सौ बात की एक बात ये होती है दोस्तों कि जैसे अभी सिस्टम लगा होता है बहुत जगह लगा रहता है, बहुत जगह बहुत सारे डीलर हैं लगाने वाले, बट अगर सही क्वालिटी का सामान लगे, सही क्वालिटी के पैनल लगे, एक ग्रेड के या फिर जो मशीनरी है वो सामान सही तरीके से लगे, तो रिजल्ट जो होता है वो बेहतर है। थोड़ा लेट में होगा, हो सकता है आपको तुरंत ना समझ में आए, बट थोड़ा टाइम बाद आपको जरूर रियलाइज होगा कि आपका जो लगा हुआ सामान या फिर जो मशीनरी लगी है एक ग्रेड लगने की वजह से आपका अच्छा परफॉर्मेंस हो रहा है। तो दोस्तों सौ बात की एक बात ये होती है कि आपका अंकल जी मतलब सब सब में सीधी बात ये है कि आपका अभी संतुष्ट है, आप पूरी तरीके से चल रहा है ना बढ़िया? हाँ बिल्कुल हम संतुष्ट हैं और इन्हें बार बार इनका धन्यवाद करेंगे कि आप सच्चाई के साथ डटे रहिए, अपना भी नाम करिए और जिसके यहाँ जाइए उसको भी बचाइए। ये मेरी शुभकामना आपके साथ है। थैंक यू अंकल जी, आपने हमको इतना टाइम दिया। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं ये थे अंकल जी, यहाँ पर जो हमारा सिस्टम लगा हुआ है वो हमारा सिस्टम किस तरीके चल रहा है वो हमने आपको दिखाया, अभी आप देख सकते हैं ये। चलिए नीचे चलते हैं और नीचे आपको एक बार फिर से पूरा व्यू दिखा देते हैं, और भी जो यहाँ पे लोग हैं अंकल जी के हैं यहाँ पर रहने वाले, उनके यहाँ भी उनसे भी जानकारी लेते हैं और समझते हैं क्या है कैसे है कितना सिस्टम, आपको और जानिए अधिक जानकारी आपको देते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मौसम, आपको एक बार आपको रिमाइंडर कराना चाहते हैं कि मौसम आप देख सकते हैं बारिश हो रही है अभी इस समय, आप भी देख सकते हैं पैनल भीगा हुआ पूरा। ऐसा नहीं है, बहुत सारे जो डीलर आप बहुत सारे कस्टमर भी कमेंट कर देते हैं कि भैया वीडियो दूसरे टाइम का है या फिर मौसम आप दिखा के इस टाइम पर ले रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। जैसे आपने देखा कि कस्टमर खुद स्वयं अगर आपका अपने अगर आप कस्टमर हो अपने तौर पर, अगर आपने पैसा इन्वेस्ट किया है, अगर आपका सही नहीं चल रहा है तो आप कभी भी वीडियो में या फिर किसी को सपोर्ट नहीं करोगे, ये तो कन्फर्म बात है, ठीक है? तो आप लोग को ये ना लगे कि हाँ ये कैसे अगर बारिश हो रही है फिर भी कैसे चल रहा है, वो हम आपको दिखाते हैं। लूम सोलर का जो ब्रांड है वो कितना प्रॉपर तरीके से यहाँ काम कर रहा है वो आपको हम दिखा देते हैं। इसमें आपको समझ में आ पाएगा कि अदर ब्रांड और लूम सोलर ब्रांड में क्या फ़र्क समझ में आता है, वो आपको समझ में आएगा। तो चलिए नीचे चलते हैं और समझाते हैं आपको और दिखाते हैं। सो दोस्तों हम देख सकते हैं नीचे आ चुके हैं, यहाँ पर जो नीचे से है इनका देख सकते हैं ऊपर प्लेट लगी हुई है, यहाँ पर बारिश भी आपको दिख रही है, साफ साफ बारिश हो रही है। चलिए आइए अंदर चलते हैं, आपको दिखाते हैं बिना कट पेस्ट के चल रहा है कैसे चल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रैक्टर खड़ा है, इससे ये सोलर लगाने से पहले ये ट्रैक्टर से ही चलाते थे। यहाँ पर आपने देखा कि अभी अंकल जी बताया कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है BFD सिस्टम, जो हमारा BFD सिस्टम लगा वो है। देख सकते हैं यहाँ पर जो इनपुट आ रही है देख सकते हैं, ये हमने आपको दिखा दिया, ये देख सकते हैं दोस्तों। जो बारिश होती हुई सिंगल लोड चलेगा, ये हमने कहेंगे यहाँ पर डबल लोड चलेगा, सिंगल लोड धूप रहती है फिर भी, लेकिन आपका 50 से 60 किलो पर घंटा आपका ये माल बारिश होते हुए भी निकाल देगा। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा इस वीडियो में कि आपको A to Z जो जानकारी है सोलर नाटा की वो हमने आपको यहाँ पर पूरा दे दिया है। जैसे कि मौसम ख़राब होता है उस टाइम पे आपको क्या समझना चाहिए, आपको क्या समझ में आया, इसलिए हमने इस मौसम ख़राब होने के चलते भी हमने ये वीडियो यहाँ पर अपलोड करने के लिए सोचा। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर जो हमारा सिस्टम है वो कितना बेहतरीन तरीके से चल रहा है, और यहाँ पर जो रिव्यू निकल गया है आप देख सकते हैं, वहाँ पर बारिश होने के बावजूद सिस्टम हमारा चल रहा था, एक लोड तो हमारा प्रॉपर तरीके से चल रहा था। ऐसा नहीं है कि आप डबल लोड चला पाएंगे अगर धूप नहीं है, तो धूप नहीं है आपका, मान लीजिए बारिश हो रही है तब आपका डबल लोड नहीं चलेगा, लेकिन सिंगल लोड तो ज़रूर चलेगा, चाहे आप आटा चक्की चलाएं या फिर आप स्पेलर चलाएं, दोनों में से एक लोड आपका ज़रूर चलेगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो में आटा चक्की से रिलेटेड सारी जानकारियाँ हो चुकी हैं, सारा रिव्यू आपको समझ में आया कि किस तरीके से मौसम ख़राब होने के बावजूद भी कैसे काम करे कैसे नहीं काम करे, ये जानकारी आपको इस वीडियो में हमने दे दिया है। दोस्तों अगर आप इंडिया से हैं, इंडिया में किसी भी राज्य से या किसी भी ज़िले से हैं, तो आप भी अगर आप अपने आटा चक्की पर सोलर लगवाना चाहते हैं या फिर किसी कारखाने पर या किसी फैक्ट्री पर इस लेवल पर अगर आप सोलर लगवाना चाहते हैं, तो आप दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जहाँ पर हमारी टीम आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करेगी कि आपके यहाँ कितने जगह कितना लग सकता है, कितने आपके यहाँ खपत है और किस हिसाब से आपके यहाँ प्लेटें कितने क्वांटिटी में लगेंगी, सारी जानकारी आपको एक्यूरेट जानकारी देगी, और सर्विसेज होंगी वो एवन ग्रेड की और सर्विसेज होंगी। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई जगह पर नए लोगों के साथ और नए रिव्यू के साथ। जैसे कि आपको पता ही होगा कि हमारे चैनल पर नए नए अपडेट्स आते रहते हैं, तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।